Hi everyone, welcome back to this channel and this is O2IS Academy. My name is Kritika and we are doing the Balokra series. So, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, हम जगमोहन बलोकरा की लिखी गई दी वंडरलैंड को कवर कर रहे हैं. HP GK का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर ये माना जाता है और इसका जो है हम यहाँ पर 33rd चैप्टर कर रहे हैं. तो ऑलरेडी हमने एक बड़ा पोर्शन यहाँ पर कवर कर लिया है. अगर आपने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं. एंड इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सिंस आगे आज इस चैप्टर में हम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रही है उसको देखने वाले हैं. दो इसमें बहुत सारी बातें, करीब 200 पेजेस हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टाफ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. तो आज हम देखेंगे वो चीज़ें जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, देर इज़ अ नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर और कोई क्वेरी है तो आप मुझे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो लेक्चर्स हैं इनके PDF पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन के लिए वही यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं. तो इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं. उसमें एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है द वंडरलैंड सीरीज. वहाँ पर आपको सारे के सारे PDFs मिलते हैं. टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस आपका कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, एग्जाम भी आगे चला जाएगा, तो इसकी वजह से आपके पास ज़्यादा टाइम है, इट्स गुड फॉर यू. तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है कोई भी, क्योंकि जो HP की हिस्ट्री है या पूरी GK है वो आपकी तभी रिवाइज होती है व्हेन यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. सिंस हमारा कल्चर जो इतना ज़्यादा रिच है हिस्ट्री की, अगर हम बात करें छोटी प्रिंसली स्टेट्स ये सब, तो ये आपका रिवाइज तभी होगा जब आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. तो हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आए थे, HPS प्रीलिम टेस्ट सीरीज़. ये अभी भी ओपन है, पहले 3 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं. इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं. एक नई टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के लिए आई है, दोज आर जस्ट डेडिकेटेड टू हिमाचल GK. इसमें आपको 1500 क्वेश्चन मिलते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी वीडियो लेक्चर्स के तौर पर मिलती हैं. AI पावर्ड इवेलुएशन है, एक साल के करंट अफेयर्स भी हमें देखने को मिलते हैं. उसके अलावा यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो आप जितनी बार भी चाहें इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. पहले 3 लेक्चर्स, अगेन जो इसमें पहले 3 टेस्ट हैं आपके ज्योग्राफी के, दे आर अवेलेबल फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको जाके अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा. राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ में. इसमें आपकी बेसिकली बहुत सारी बॉडीज़ हम देखने वाले हैं, जितनी भी आपकी बॉडीज़ बनी है. सो जैसे हमने पहले भी मैंने बात की थी, हमने लास्ट में पूरा स्टेटहुड का जर्नी देखा था. सबसे पहले हम क्या बने थे, हम बने थे एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस, उसके बाद में हम पारसी स्टेट बनते हैं, यूनियन टेरिटरी बनते हैं, एंड फाइनली बिकेम दी स्टेट. सो इसमें जो आपकी बॉडीज हैं वो बनी. पहले कौन देखा करता था यहाँ पर ये सारा, जो क्योंकि सिंस UT था तो सेंटर पूरा का पूरा देखता था. उसके अलावा कौन इसके पहले पहले चेयरमैन रहे हैं, अभी कौन है, और जो है इनकी पावर्स क्या रहती हैं. तो यूजुअली ये सब चीज़ें तो आपने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो जो एक अच्छे से आप इनका प्रॉपर पावर्स, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब आप उसमें देखते हैं, पॉलिटी में देखते हैं. लेकिन आज इसमें हम क्या देखेंगे कि हिमाचल का स्पेसिफिक जर्नी क्या रहा है. तो शुरू करेंगे हम अपनी जो हमारी बॉडी है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से. सो ये वही लोग हैं जो HAS आपको बनाने वाले हैं. सो यहाँ पर ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी, ये तभी बनी थी जब आपका हमें स्टेटहुड मिला था. उससे पहले सेंटर हुआ करता था तो UPSC ही यहाँ की रिक्रूटमेंट देखा करता था. ये आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, इसमें सारी की सारी आपकी रिमूवल्स, अपॉइंटमेंट, कॉम्पोजिशन जो है सब लिखी गई हैं. सो जैसे ही हम स्टेटहुड में आते हैं तो बात की जाती है कि हिमाचल को पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर बनाया जाएगा, और आपका रेगुलेशंस आते हैं 1971 के. अब इसमें एकदम से तो वर्किंग में नहीं आ सकता था, इसकी वजह से यहाँ पर 3 महीने तक UPSC ने अगेन सारा का जो इसका रिक्रूटमेंट है वो देखा. फाइनली अंडर दी आर्टिकल 318 यहाँ पर आपका स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया. अब इसमें आपके एक चेयरमैन था और 2 मेंबर्स थे. तो जब आप इसकी साइट भी खोलते हैं वहाँ पर भी आपको मिलेगा. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो आपके पहले चेयरमैन रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए. वो अक्सर जो है क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. तो जो पहले थे उनका नाम था KS कटोच, वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे. फिर आपके 2 मेंबर्स की अगर हम बात करें, एक आपके श्री हंसराज महाजन थे और एक थे आपके श्री
पीसी स्टो। तो ये दो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जो अभी है, करंट है, इनकी अपॉइंटमेंट अभी कोरोना काल में ही की गई है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सो जो अभी हमारे चेयरमैन हैं HPPSC के, उनका नाम है श्री अजय कुमार। सो वो IFS यहाँ पर रिटायर्ड हैं। देन टू मेंबर्स, द अदर मेंबर्स आर डॉक्टर रचना गुप्ता एंड आपके जयप्रकाश काल्टा। सो ये इनके ऊपर अक्सर जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब पहली बात, ये कौन है? ये आपकी एक ऐसी बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करती है आपकी थर्ड क्लास पोस्ट की। बहुत सारी पोस्ट इसमें नहीं आती है, जो HPPSC करेगा वो खुद करेगा, देन आपकी विधानसभा है या हाई कोर्ट है, ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट अपनी अपनी बॉडीज देखती हैं। जो बच गई आपकी थर्ड क्लास, वो आपका ये हमीरपुर बोर्ड यहाँ पर देखता है। आपने बहुत सारे एग्जाम अक्सर जो है लोग भर भी दिया करते हैं। सो यहाँ पर इनके जो फर्स्ट चेयरमैन हैं, उनका नाम था मिस्टर KC मल्होत्रा। उनको 1998 में यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था। फिर इसमें एक आपकी सेक्रेटरी हैं और एक हैं आपके मेंबर। तो अगर हम सेक्रेटरी देखते हैं तो उनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र मोहन कटवाल, और फिर जो आपके फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनका नाम था मिस्टर निर्मल सिंह। सो ये जो फर्स्ट हैं, इनके ऊपर हो सके तो इनकी लिस्ट बनाकर लगा लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट और जो फर्स्ट थे वो इम्पॉर्टेंट है। सिंस अगर एकदम स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त ही हमें ये सारी इसलिए सारी अपॉइंटमेंट्स की गई होती तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सिंस 71 में एग्जिस्टेंस में आया है स्टेट, उसकी वजह से इनकी जो एक इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। अक्सर जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें इनको पूछ लिया जाता है। तो फिर ये जो बॉडी है आपकी, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही ऑटोनमस है, इसके पास अपने पावर्स नहीं है। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट करती है, और जैसा मैंने आपको बताया कुछ पोस्ट यहाँ पर एक्सक्लूड की गई हैं इसमें से, वो आपकी ये बॉडी नहीं यहाँ पर देखती है उनकी रिक्रूटमेंट, राइट। अभी की अगर हम बात करें इसके चेयरमैन जो हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है श्री जोगराज ठाकुर, ये आपको पता होना चाहिए, एंड ही इज द 8th चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट इज हिप्पा। सो अगर आप HS बनते हैं, कहाँ जाएंगे आप ट्रेनिंग के लिए? तो वो जाएंगे आप हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जैसे UPSC क्रैक करके आप लबासना में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो भलोकरा नहीं पढ़नी है अगेन, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। उसमें 3 पेजेस में तो ये लिखा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसमें आपको एजुकेट नहीं किया जाता, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेट तो आप ऑलरेडी इतनी तैयारी करके हो गए हो, तो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन वीवर यूटी, हमारे पास में ये इंस्टीट्यूशन था नहीं, अब ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सेंटर देखा करता था। तो जब हम एग्जिस्टेंस में आते हैं तो बात की गई कि हमें जो है यहाँ पर एक इस तरीके का इंस्टीट्यूट चाहिए। सो वो फेयर लॉन्स में यहाँ पर उसको इस्टेब्लिश किया गया। अब ये फेयर लॉन्स जो है ये आपके करीब 12 किलोमीटर दूर है शिमला से, और मशोबरा वाली साइड पे पड़ता है। तो इसकी एक बहुत ही रिच हिस्ट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो पहली चीज़, ये आपके जो मिस्टर आर डिक्सन थे ब्रिटिश इंडिया में, उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूट किया था कि ये मेरा ऑफिस यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद में इसको जो आपके नवाब मुजफ्फर अली खान हैं उन्होंने भी खरीदा। पर इसके बाद में क्या होता है, जब पार्टीशन हुआ था, या मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस वक्त थोड़े वक्त के लिए ये लगा कि ये पाकिस्तान में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये पंजाब में चला गया। अब जब पंजाब में गया तो उन्होंने एज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग रखा, लेकिन कुछ खास तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो फाइनली बात होती है 1966 की, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। अब जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ में ये टेरिटरी हमारे पास में आई, तो ये बिल्डिंग जब हमारे पास में आई थी, तो उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाने की बात की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूट का, एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, उसका ब्लूप्रिंट बना दिया जाए। लेकिन जब ये आती है तो वो देखते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग ऑलरेडी है, और एरिया भी ट्रेनिंग के लिए अच्छा है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रखता है, इसकी वजह से हम इसी को यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाएंगे। एक और जो प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पर मे भी पूछ लिया जा सकता है, वो है कि जो आपके BK शर्मा है, वो उस वक्त वहाँ पर IAS हुआ करते थे हिमाचल कैडर में, उनको पोस्ट किया गया था। ही वॉज आस्ड टू प्रिपेयर दी ब्लू प्रिंट ऑफ दिस हिप्पा, लेकिन बाद में अगेन हमें फेयर लॉन्स की बिल्डिंग मिल जाती है, एंड हमने उसी को वहाँ पर अपना हिप्पा बनाया, द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है यहाँ पर, कि एक कमेटी का नाम लिखा गया है अर्शिंगटन, ठीक है। इस कमेटी को आप कहीं भी इस पे इंटरनेट पे आपको देखने को नहीं मिलती है,
लेकिन इसमें क्या है, अगेन जो आपके जगमोहन बलोखरा जी हैं वो लिखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे होनी चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन इस कमेटी का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1944 में, जिसमें ये बात करता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग में क्या, मतलब उनके बेसिक रिपोर्ट में किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी, पहली चीज़ जब आप पब्लिक सर्वेंट बनते हैं तो हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी यानी कि जो आपका काम है उसको आपने कैसे अच्छा करना है। उसके अलावा पढ़े हुए तो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन आपको किस तरीके से, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस आप में होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को आप समझते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग। उसके अलावा यू आर नॉट दी मास्टर, सिंस आप पब्लिक सर्वेंट, आप जनता के जो है यहाँ पर नौकर हैं, आप उनको सर्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो इस तरीके से ट्रेनिंग कि ये रिपोर्ट आती है अर्शिंगटन कमेटी से। सो कमेटी का नाम याद रखना है। अक्सर जब भी आपके एग्जाम पूछे, ये एक छोटा सा बलोक्राम में से अक्सर ऐसे खोल के एक शब्द उठाकर उसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है जो आपको परेशान कर सकता है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं हिमाचल लोकायुक्त की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लक्ष्मीकांत में आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा होगा, आई एम थिंकिंग कि अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है, फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। लोकपाल और लोकायुक्त, तो ये दो बॉडीज हैं यहाँ पर, स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं रखती हैं। अब ये किसके लिए बनी थी, तो ये ना एक लैंडमार्क मूव था बेसिकली, जहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन और आपका जो करप्शन है उसके अगेंस्ट एक एक्शन देखा गया। तो फाइनली इन आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ओम्बड्समैन, मतलब एक तरीके के रक्षक माना जाता है कि जो एक करप्शन है, एलिगेशंस हैं, इनके ऊपर ये इंक्वायर करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं। इसमें अक्सर नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किस तरीके की कमियां लोकायुक्त या लोकपाल बिल में आपके रही हैं। इसमें अक्सर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐड और डिलीट की जाती हैं, पर जो क्वेश्चन मेंस में स्पेशली आपके क्वेश्चंस कैसे देखे जाते हैं कि इसमें कौन सी कमियां हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ हिमाचल की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, माल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, करप्शन है और क्या क्या कमियां हैं, हिमाचल की बात नहीं करेंगे, इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ नहीं हैं जहां पे उनको एंटी करप्शन एजेंसीज नहीं हैं, या अगर हैं भी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके ऊपर कोई ना कोई और पावर जो है बैठी हुई है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वो हमें साफ सुथरी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन स्टिल इट वॉज अ वेरी नाइस स्टेप इन दिस डायरेक्शन और इसे एक लैंडमार्क मूव कहा जाता है। इट माइट ब्रिंग सोल्यूशन टू द करप्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ आर कंट्री एंड आर स्टेट एज वेल। राइट, आ जाते हैं हिमाचल के ऊपर। अभी इसमें एक और चीज़ क्या है, इसमें स्टेट डिस्क्रिशन बहुत सारी है। जो आपका ये बिल था इसमें ना बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई कि अब उनको लोकायुक्त है, उनके चाहे टेन्योर के ऊपर है, उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर है, ये आपको हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब जैसे अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं हम, इसमें एक लोकायुक्त होता है, एक उपलोकायुक्त होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टेट में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त दोनों देखने को मिले, कई स्टेट्स में सिर्फ लोकायुक्त रखे गए हैं। अपॉइंटमेंट इनकी गवर्नर करता है और एक सिलेक्शन कमेटी बेसिकली यहाँ पर बैठती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ आपका स्टेट रहता है और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठता है, जो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी बैठती है और लोकायुक्त की यहाँ पर हमें उनको सिलेक्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन भी इसमें हर जगह अच्छे से नहीं दी गई है। तो कुछ स्टेट जैसे आपके यूपी हैं, हिमाचल, आंध्रा, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम, ये लोग यहाँ पर जुडिशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो एक जज के लिए होती हैं, वही यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। वेरेज अगर हम बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान की बात करें तो इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं रखी है। फिर आगे आपका टेन्योर, ये आपका 5 years का रहता है या फिर 65 years ऑफ द एज, जो भी आपका पहले यहाँ पर पहुँचेगा, सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकायुक्त का, लोकपाल का, ये आपने पॉलिटी में भी अच्छे से पढ़ना है, इसके ऊपर ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
अब अगर हम इनकी बात करें दो टर्म्स की, लोकपाल और लोकायुक्त, तो ये शब्द किसने कॉइन किए थे? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने. अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है तो, लेकिन स्टिल अगर आपको छोटा एग्जाम का दे रहे हैं, सिंस आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो छोटे वाले एग्जाम भी देते ही है ना, तो उनमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ये जो पूरा का पूरा आइडिया है कि हाँ करप्शन के अगेंस्ट एक बॉडी बनेगी, इंस्टीट्यूशन बनेगा, ये प्रपोज किया था हमारे लॉ मिनिस्टर ने जो उस वक्त हुआ करते थे, जिनका नाम था अशोक कुमार सेन. सो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. फिर आ जाते हैं हम हिमाचल के ऊपर. हिमाचल के जो पहले लोकायुक्त थे उनको 1983 में अपॉइंट किया गया था. उनका नाम था जस्टिस T.V.R. दत्ताचारी. सो ये नाम आपको पता होना चाहिए. अभी हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं, और जो अभी हमारे लोकायुक्त है उनका नाम क्या है? उनका नाम है लोकेश्वर सिंह पांटा. सो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, हिमाचल के हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, और उसके अलावा आपका जो ही वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट. अभी इसमें अमेंडमेंट होती रहती है. 2016 वाला बिल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे. अब चेंजेस कैसे थे? जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर उसकी एब्सेंस है तो आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठेगा? तो उन्होंने बोला कि जो आपकी लार्जेस्ट ऑपोजिशन है कोई भी आपके स्टेट में, उसके लीडर को भी यहाँ पर हम इस सिलेक्शन कमेटी में बिठा सकते हैं. वैसे ही जैसे सिंस ये करप्शन के अगेंस्ट इंक्वायरी करते हैं तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको एक टाइम लिमिट दिया जाता था कि 30 डेज हैं, इसमें आपको अपने एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, उनको डिक्लेयर करना है, उनको ओपन करना है. अब इसको यहाँ से हटा दिया गया. एक टाइम लिमिट जो है प्रॉपर 30 डेज नहीं है, वो पूरे केस के हिसाब से देखी जाती है. फिर अगेन जो है आपका जो और भी बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, ट्रस्टीज रहते हैं, उनको भी टाइम दिया जाता था कि इतने टाइम इंटरवल में आपको अपने एसेट्स दिखाने हैं, तो उसको भी यहाँ पर एक्सटेंड किया गया. और फिर ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट. अभी हाई कोर्ट भी अगेन एग्जिस्टेंस में कब आया होगा? ये आपका 1971 में ही आया. उससे पहले वहाँ पर जुडिशियल कमिश्नर का एक कोर्ट ज़रूर बैठता था, हार्विंगटन में बैठता था, ये आपको पता होना चाहिए. तो उस वक्त जो है यहाँ पर सारे फैसले किए जाते थे. सो सिंस वी वर अ यूटी, हमारे पास में क्या था? एक जुडिशियल कमिश्नर का कोर्ट था, उसके अलावा दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी थे, और जो थे 27 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स थे. ये आपके यूटी के टाइम पे. फाइनली क्या हुआ? रीऑर्गेनाइजेशन, ये वो सारी चीज़ें, हम बन गए स्टेट, और फिर हमें क्या मिला? हमें अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट मिला, और फिर वो कहाँ था? वो था आपका रेवेन्सवुड. देन कमिंग बैक टू द फर्स्ट, तो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे हाई कोर्ट के? उनका नाम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस M.H. बेग. सो ये नाम पता होना चाहिए. दो और जो जजेस थे ये आपके चीफ जस्टिस थे. फिर आगे अगेन आपके जो पहले पहले जजेस थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए. थोड़ा सा आइडिया एक बार देख लीजिएगा ताकि याद जो है रह जाए. और अक्सर अगर आपका मैचिंग क्वेश्चन भी आता है, हु वॉज दी फर्स्ट लाइक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फिर आपका HPPSC के मेंबर, तो इसके ऊपर अब थोड़ा अगर स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए. फिर एक और एक जो बड़ी अच्छी यहाँ पर फैक्ट आता है और पूछा भी जाता है अक्सर, जस्टिस लीला सेठ. अब शी वॉज दी कंट्रीज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हिमाचल में इनको 1991 में यहाँ पर अपॉइंट किया गया था. ये आपके कंट्री की ही फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रही हैं हाई कोर्ट की, राइट. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले 10 हुआ करती थी, अभी 13 हो गई है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, और 10 जो है इनमें से आपके सिटिंग जजेस रहते हैं. राइट नाउ हमारे चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? उनका नाम है जस्टिस L.नारायण स्वामी. थोड़े टाइम पहले ही इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है ये कहाँ से हैं. अब आप सोचेंगे कहाँ से है? ये हैं आपके कर्नाटका से. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो नेक्स्ट बॉडी हमारी आ गई हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. सो जैसा इसका नाम है, ये आपके कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं. देन अगेन इट टेक्स इट्स पावर फ्रॉम डिस्प्यूट रिड्रेसल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. तो इसमें क्या होता है, आपके कमीशन स्टेट कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फोरम्स को भी यहाँ पर कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को स्पीडी रेजोल्यूशन की यहाँ पर हम बात करते हैं. अगेन क्वासी जुडिशियल आपकी यहाँ पर ये बॉडी है. सो हिमाचल में अगेन स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम्स जो हैं इनको 1989 में यहाँ पर फंक्शन किया गया था. प्रॉपर जो है आपका हिमाचल का स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना था. इसके पहले
प्रेसिडेंट उनका नाम इम्पॉर्टेंट है, जिनका नाम था जस्टिस वीपी गुप्ता। इसमें दो मेंबर्स थे, एक मेल मेंबर जो थे मिस्टर हेमचंद थे और दूसरी जो थी वो चंबा से थी मिसेज देवेंद्र कुमारी। सो ये तीन जो मेंबर्स हैं ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ये तीन आपके, ये चार आपके यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही बारी में बन गए, पहली बारी में 1989 में हमारे पास चार फोरम थे, ये विद टाइम आपके यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए चार डिस्ट्रिक्ट फोरम हैं, पहले आपके जो अगेन प्रेसिडेंट हैं उनका नाम वीपी गुप्ता। सो लास्ट बॉडी इज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जैसा इसका नाम है। अगेन इसको कब ये आपका सेटअप किया गया था, तो ये सेटअप किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005। फाइनली ये आपका गवर्नमेंट ने 2013 में यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन इशू करके अच्छे से प्रॉपर ये वर्किंग में आया था। इसमें आपके छह मेंबर्स रहते हैं और एक चेयरमैन रहता है, चेयरपर्सन रहता है, यूजुअली इट्स अ फीमेल। और इसकी जो पहली हमारी चेयरपर्सन थी उनका नाम था मिस श्यामा डोगरा। तो इसमें क्या होता है, अब जैसा इसका नाम है चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, चाइल्ड राइट्स का वॉयलेशन किया जाता है, लॉज बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और फिर अगेन ये आपको पॉलिटी में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ मैं हिमाचल का कवर कर रही हूँ, बलोकरा में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन वो यूज़ की नहीं है। राइट नाउ अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो उनका नाम है वंदना कुमारी, सो वो यहाँ पर हमारी अभी राइट नाउ चेयरपर्सन है। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए और डू गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज यू कैन। एग्जाम की अगर हम बात करें वो फॉर श्योर आगे जाएगा, दैट मीन्स यू हैव मोर एंड मोर टाइम प्रिपेयर। आपको कहाँ बाहर जाना है, आपको तो पढ़ाई करनी है, सो इट इज़ गुड फॉर यू ओनली। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग।